कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय, तो उनमें समय समय पर टीचिंग नॉन टीचिंग की वैकेंसी आती रहती है। जैसा कि अभी फ़िलहाल ये जो सिलेबस है ये है एस के एन यू 2023 नॉन टीचिंग वैकेंसी लेबर असिस्टेंट का, ठीक है ना। तो ये लेबर असिस्टेंट का सिलेबस है SKNU 2023 नॉन टीचिंग वैकेंसी का, ठीक है ना। ये सिलेबस आपको SKNU.ac.in पर भी उपलब्ध है, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी ये उपलब्ध है, ठीक है ना। कुल मिला के बात ये कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो। और ये जो सिलेबस है आप नॉन टीचिंग, अभी जो SKNU में जो नॉन टीचिंग वैकेंसी है उसके बारे में नहीं पता आपको, तो कम्प्लीट जो वीडियो है उस वीडियो का जो लिंक है, संपूर्ण जानकारी मैंने बताई गई है, तो उस एडवर्टाइजमेंट की जो कंप्लीट वीडियो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहाँ इस वीडियो को देख लें, कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है नहीं। कोई भी डाउट बचता तो कमेंट कर दें, ठीक है नहीं। तो ये सिलेबस है ये आपका SKNU 2023 लेबर असिस्टेंट 2023 का सिलेबस, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ये, तो अब वो वीडियो देखनी है आपको एडवर्टाइजमेंट की कंप्लीट वीडियो, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ये, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि लगातार अपडेट वगैरह मिलती रहती है आपको, यार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ये, और जैसा कि आपको पता है कि AU जोधपुर में भी नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकली 2022 में, फिर दोबारा से उसका नोटिफिकेशन 23 में जारी हो गया, और अब आपको AU कोटा में भी जल्दी देखने को मिलेगी। MPUT में भी ये लेबर असिस्टेंट निकली थी वैकेंसी, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ये, तो ऐसी जो क्या है कि मतलब समय समय पर जो है SKRU में लास्ट ईयर निकल गई थी लेकिन उसको रद्द कर दिया गया फिलहाल के लिए, और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे SKRU उनको रिफंड कर दिए पैसे, ठीक है नहीं। अभी उसकी दोबारा से निकलेगी, अभी निकली नहीं, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ये, तो जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो जो लोग शुरू से जुड़ने को पता है, क्योंकि सही सटीक ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है, फैकालोजी बवाई नहीं टूटी जाती यहाँ पर, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ये, तो ये आपका सिलेबस है लेबर असिस्टेंट का, जैसा कि आप इसको देख सकते हो, ठीक है नहीं। अब इसमें जो है आपकी जो स्कीम, आप देखो SKNU 2023 में जो भी आपकी ये हो रही है एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो ये है कि जैसे आपकी लिखित परीक्षा होगी, एकेडमिक नंबर काउंट होंगे और इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। ये आपका प्रोसेस है, संपूर्ण जानकारी इसमें आपको बताई गई है, ठीक है नहीं। सिलेबस भी है और सिलेक्शन की प्रोसेस वगैरह भी बताई गई, देख सकते हो, ठीक है नहीं। तो अब आपको एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने आपके भाग रहने वाले हैं, तो दो भाग आपको रहने वाले हैं, भाग ए और भाग बे। भाग जो ए रहने वाला है उसमें आपका जो राजस्थान की जो GK सामान्य जो ज्ञान है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का भूगोल। और भाग जो बे उसमें आपकी कृषि विज्ञान जो कि एग्रीकल्चर है, जीव विज्ञान बायोलॉजी है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है नहीं। और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है नहीं। कंप्लीट जानकारी, कितना समय रहेगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया, देख सकते हो, ठीक है नहीं। अब आपको कुछ नोट लगा के पॉइंट लिखे उनको आप देख सकते हो कि प्रश्न पत्र में सभी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र की जो अवधि है, समय है जो वो 2 घंटे की होगी, ठीक है नहीं। परीक्षा में न्यूनतम जो उत्तीर्ण अंक है वो 40% निर्धारित है और इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इनको आप पढ़ सकते हो। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो प्रत्येक वर्ग में से पदों से 2 गुना अभ्यर्थी जो होंगे, 2 गुना अभ्यर्थियों को प्रमाण सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के अंकों का 80%, मैंने कहा था ना कि ये 3 प्रकार से होगी, लिखित मतलब लिखित परीक्षा के अंक भी काउंट होंगे, एकेडमिक भी होंगे और साक्षात्कार भी होंगे। तो लिखित परीक्षा के 80%, अकादमिक के 20% पे वेटेज होगा और इनमें प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट की वरीयता सूची बनाई जाएगी, वो बाद में आपका इंटरव्यू लेकर के जो है वो किया जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के बात ये, और परीक्षा में जो भाग बय होगा यानी कि जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगी, उस भाग बय में जो आपको चार विषय दे रखी हैं आपको, ठीक है ना, उन 4 विषयों के 25% दिए जाएंगे। उनमें से आप 4 विषयों में से किन्हीं भी 3 विषयों को हल कर सकते हो, चाहे तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कर सकते हो, आपके जो भी मन पर है। यहाँ पर ये बाध्य नहीं किया गया है कि आप इन्हीं 3 को कीजिए, ठीक है ना, अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, 4 में से। तो आप 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है उनको हल करनी है, ठीक है ना। और ये आपकी जो एकेडमिक स्कोर मतलब जो आपकी गणना है वो उसको देख सकते हो। कुल मिला के बात ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है, ठीक है नहीं। अब इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो ये है, सिलेबस को देख सकते हो। पाठ्यक्रम जो आपका भाग है सामान्य ज्ञान, राजस्थान की जो GK ना उसका जो सिलेबस है वो ये है, ठीक है नहीं। कंप्लीट सिलेबस है ये, देखो।
और फिर आपका जो राजस्थान का भूगोल है उसका ये सिलेबस है, ठीक है। नहीं, कुल मिला के बात ये, इसके बाद में जो है आपका भाग बे जो कि आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे पहले एग्रीकल्चर है आपकी, ठीक है नहीं, एग्रीकल्चर है, ठीक है नहीं, एग्रीकल्चर का ही सिलेबस है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है नहीं। अब ये सिलेबस इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो ये आपके लिए बहुत ही जो है वो बेनिफिट होने वाला है, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये। और इसके बाद में आपकी हॉर्टिकल्चर का भी आ गया सिलेबस, ठीक है नहीं, ये रहा हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। और इसके बाद में जो है आपकी एनिमल हस्बेंड्री का भी आ जाएगा, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये। आपकी पशुपालन आ गई, एनिमल हस्बेंड्री का आ गया, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये। और इसके बाद में जो है आपकी जो आपकी जीव विज्ञान बायोलॉजी है पार्ट ए, ठीक है नहीं, वो ये है आपका, ठीक है नहीं, पार्ट बे जो आप जीव विज्ञान है, ठीक है नहीं, ये। इसके बाद में जो है आपकी भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो कि आपकी, ठीक है नहीं, और इसके बाद में जो है आपकी रसायन विज्ञान जो कि आपकी केमिस्ट्री, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये। तो ये क्या सिलेबस है, अब इसमें एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है इसमें मतलब क्या है कि मतलब ये बिल्कुल इसमें कोई भी जो है वो एप्लीकेबल कर सकता है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बाध्यता नहीं की गई है कि आपको अपने सब्जेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग ये 3% करने, मतलब ये 3 सब्जेक्ट चूज करने, आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है ना, यदि आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये, या फिर जैसे भी हो, ठीक है नहीं, कुल मिला के बात ये, आपको बाध्यता नहीं है, कोई भी 3 सब्जेक्ट लेके आप पेपर कर सकते हो, जैसा कि इस वीडियो में शुरू में मैंने आपको बता दिया, ठीक है नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लें, कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि वो एडवर्टाइजमेंट की वीडियो देखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिए, ठीक है नहीं। और इसी प्रकार से जो है देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं कर रखा, काफ़ी लोग यार वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते जबकि लगातार अपडेट वगैरह मिलते रहते, ठीक है नहीं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनका तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद, ठीक है नहीं। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो तब तक लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।